ये देखो भाई, हाँ भाई टांग उठा ली, मालिश करवा रही है पूरी। तो दोस्तों आ चुके हैं शौकीन के पास और शौकीन बहुत बड़ा है, आप देखते हैं। वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। आज हम ऐसे शौकीन का शौक दिखाने जा रहे हैं और ऐसी एंटिक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत छोटा बच्चा है और उसकी पूरी स्टोरी जो है उसी बच्चे की जबानी सुनेंगे और आपको शौक दिखाएंगे। पहले हम शौक की तरफ चलते हैं, अपनी बातें बाद में करेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं शौकीन के पास और शौकीन बहुत बड़ा है, आप देखते हैं माशाल्लाह। शौकीन की सेहत तो बहुत अच्छी है, जानवर की सेहत का आप वीडियो में अंदाजा करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह से। बहुत छोटी जगह पे कराची में कैसा कैसा शौक हो रहा है और ऐसे शौकीनों को कवर करने में बहुत मज़ा आता है। इनके वालिद साहब ने बछड़ी मोहम्मद के लाके दी थी और माशाल्लाह बछड़ी देखें, और बछड़ी की डिटेल में आपको पहले बात थोड़ी अपनी बात कर लूँ, फिर मोहम्मद से भी बात करेंगे और बछड़ी की पलाई पहले चेक करें कितनी सी जगह पे कैसा शौक हो रहा है। बकास ये बिचोली है, गेनी है, गेनी है भाई, गेनी है। आप मेरी हाइट और देख लें भाई, ये गेनी और अलग कलर में माशाल्लाह से पिंक नोज में है। और मोहम्मद भाई कब दांत करेगी, है रमजान में तक कर जाएगी, अभी खीरी है दोस्तों। और मैंने जो दांत इसके अभी चेक करे थे, ये रमजानों तक या रमजानों के मिड में इंशाल्लाह दो दांत हो जाएगी। तो भाई कुर्बानी करोगे, सेल करोगे, सेल करोगे, फिर इतनी मेहनत से पाली है, कुर्बानी कर दो यार। ओए बच्चा बहुत तेज है दोस्तों, दिस इज बिजनेस, 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 दिस इज बिजनेस। तो ये आपका कब से शौक है? जब से थोड़ी आवाज तो तेज निकाले, तुम्हारी आवाज बहुत, तभी कौन से बड़े हो गए तुम, अभी तो छोटे से तो शौक ना तुम। तो इसका चारा वारा कौन लाके देता, अब्बू लाके देते खिलाते आप? अच्छा ये देखते कहाँ से हो, ये इतनी छोटी सी आपने जो लेके आए थे माशाल्लाह, इतनी अच्छी पाल ली, कितना टाइम हो गया इसको पालते हैं आपके पास? एक साल हो गया, एक साल से भी ज्यादा, यानी कि वो छोटा बच्चा लाए थे। अच्छा भाई ये माशाल्लाह देखे सवा साल, इसको जहाँ तक इनके वालिद साहब से मैंने बात करी थी, वो वीडियो में ही आना चाह रहे, मैंने बोला सवा साल हो गया बछड़ी को, और बहुत छोटी लेके आए थे और इसकी जिद पे लेके आए थे, राशन वाशन ला के दे देते हैं और ये बच्चा खुद ही पाल रहा होता है। और ये सीखे कहाँ से, राशन क्या देते हैं यूट्यूब से, ये फ़ायदा है और वीडियोस देखने का, हर चीज़ सीख लेते हैं। पलाई के हवाले से बात करूँ भाई, ऐसी पलाई है जैसे कि किसी कैटल फार्म पे पल रही हो, और माशाल्लाह से वक़ा सीना दिखा, गोला दिखा बछड़ी का। हाँ बिल्कुल, वो तो दिख रहा है, इतनी झालर नहीं थी हालांकि इसमें, लेकिन झालर नहीं है बछड़ी की, झालर कम है पर गहनी है और बहुत दबी भी जगह पे बछड़ी खड़ी हुई है। अगर मैं बछड़ी को बाहर निकालूं, बछड़ी का हुक्म देखें, बछड़ी का बनाव देखें, बछड़ी की बैग दिखाओ, माशाल्लाह खूबसूरती दिखाओ, कलर दिखाओ, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा एक और भी इन्होंने जो है वो गाय ली थी, वो जो है वो प्रेग्नेंट है और जो है वो अनकरीब जो है वो बता रहे हैं कि जो है वो डिलीवरी हो जाएगी 6-6.5 महीने की बता, तो वो इसको इसके बिना पर ना वो अंदर बहुत मचल लिए, तो अंदर भी चल के देखते हैं। अब कमेंट से भी आने वाले हैं यार, ये इतना छोटा बच्चा कैसे शौक करता है और उसने प्रेग्नेंट गाय भी कैसे ले ली। तो भाई ये बच्चे का ही शौक था और इसने अपने ही वालिद साहब को शौक लगाया और ये छोटा सा जानवर लेके आ गए, फिर वो एक और जानवर लेके आ गए। अब ये देखें, ये यूट्यूब पे ये होता है, जब आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो कुछ शौकीन बन जाते हैं और माशाल्लाह पलता है जानवर और बाकी नसीब पलता है। देखें इसकी भी माशाल्लाह खिलाई पिलाई सारी चीज़ें ज़बरदस्त हुई हुई है, ऐसी खिलाई पिलाई हुई है जैसे किसी कैटल फार्म पे पले। बाकी क्या देख दो खिलाने में, और दाना, दाने में क्या, कनक का ये बताना चाह रहा है, गंदुम होती है, देखें नाम ले रहा है कनक, कनक गंदुम को बोलते हैं, यानी कि दलिया छिलका अट्टी है, घी दिया सीधे सर्दी के अंदर, ये अभी तो जान कर गई। अब क्या दोगे इसको, दूध भी पिला रहे हो, दूध कितना दे रहे हो, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, 220 रुपये लीटर है तुम्हारा, दे रहे हो 1 किलो डेली दे तू यार, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो निकल रही है, क्या बात है, खुद भी यार, खुद भी तो दूध पिया करो तुम तुम बछड़ी को दूध पिला रहे हो, खुद तो पी नहीं रहे यार, हमारी देखो कैसी आवाज है, हम बछड़ी को नहीं पिलाते पर पीते हैं। चलो वो लाइट खोल देना वाली, लाइट होगी ना, पता तो चले यार इसको,
इसका नाम क्या रखा है तुमने? इसका नाम हम लोग अभी सोचेंगे। अच्छा नाम नहीं रखा? मैं मास्टर हूँ, नाम रखने में रख दूँ? रख दूँ। चलो इसका नाम अभी हम रखते हैं, इसका नाम सोचते हैं। तुम इतने बताओ क्या क्या करती है इसका? अब तुम्हारी सुनती भी है नहीं सुनती, हम तो देखे तुमने पाली भी है। वो टांग कैसे उठा दी है यार? ये टांग उठवा उसकी, टांग उठवा के दिखाओ। ऐसा लग रहा है इसको मैंने पाली, मेरे से प्यार कर रही है। मैं पकड़ लूं? इधर देखिए बताओ कैमरे पे। हाँ मैम, आप हाथ फैलोगे ना आपकी हेल्थी हो जाएगी। अच्छा जैसे एक चीज होती है ना हल्का करूंगा तो पीछे आती है, ऐसी है। ऐसी मोहब्बत है, हमने तो सुना था प्यार करते, टांग उठा दिए, उठवा के देखो। ये देखो भाई टांग उठा ली है भैया, वाली टांग उठा ली उसने। हाँ उठा ली। ये घर की चीजें होती है ना यार, मोहब्बत प्यार से पली हुई, तो मजा आता है। बाकी वहाँ की अंदर की लाइट खुलवा दो, वो भी दिखा देते हैं यार, वो बहुत मचल रही है अंदर इसके बिना। ये देखो भाई। हाँ भाई टांग उठा ली, मालिश करवा रही है पूरी पूरी, अपना जो है मसाज करवा रही है। मसाज करते हो इसका? हाँ जी। तो यार माशाल्लाह देखना पलाई, देखना मछली की, और ये देख कितनी छोटी सी जगह है, लोग मतलब पलता नहीं है। आपको शौक और जज्बा हो ना तो आपको जानवर पाल सकते हैं, छोटी सी जगह भी पल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कितना खूबसूरत है, अभी इसको तुम जेवर डाल दे और नहीं नहीं पूरी पूरी ये तैयार जब होगी ना तो एक पूरी पूरी कैटल फार्म वाली क्वालिटी है। है क्या माशाल्लाह से यार, अभी वजन के बात करूं तो मेरे ख्याल में 4-1 करोड़ बछड़ी है। ऐसे ही गोश में 4-1 करोड़ बछड़ी है। आप इसको जब लाइफ आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसी पलाई हुई है। और इतनी मासूम है, खिलौना है ये तो। खैर इनके वालिद साहब हैं, उनसे बात करेंगे अगर क्या है इनका। वालिद साहब जो है कैमरे से थोड़ा पर्दा करते हैं, घबरा रहे हैं। बाकी अगर सेल का मूड है तो भाई जो भी हमारे दोस्त है तो वफाद से रब्ता कर लीजिएगा, नंबर वंबर तो वो डालने का मना कर रहा है, जो भी होगा बता देंगे आपको। बाकी पलाई बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, चारों से इसके दांत भी देख ही लेते हैं ना यार। अच्छा भाई ये इनका जो है वो रूम है जहाँ पर ये बनती हैं, एक जो है वो पक्की खोर बनाई हुई है और ये दूसरी जान दूसरी बची है ये, और ये लाए थे तो बता रहे हैं कि लगी हुई है पालने के लिए लाए थे। ये फिर किसी को दिखाई इन्होंने ग्वाले को तो पता चला ये प्रेग्नेंट है, तो अब उन्होंने पाल लिया। अब देखते हैं भाई इसका क्या बच्चा आता है, वरना तो ये दो बछड़ियाँ तैयार करने के लिए लाए थे, वो ग्यामन निकल गई, ये इनकी गहनी है। बाकी इस बछड़ी का नाम मैंने रखा बिस्कुटी। बिस्कुटी हाँ, बिस्कुट कलर की है, छोटी छोटी। आप देखो माशाल्लाह पूरी आ रही होगी ना फ्रेम में? हाँ बिल्कुल पूरी आ रही है। अच्छा रात में हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता थोड़ी सी शेड डिमांड। लाओ मुझे पकड़ा दो शेट 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 थोड़ी वीडियो सही। ये देखें भाई माशाल्लाह से। अब तुम डर रहे हो इससे? अबे नहीं मोहम्मद भाई, जाओ ना किस करो उसको, लिप किस करो। ये देखिए भाई ये बालू मट्टी वगैरह नहीं डाली हुई, डेली सफाई करते हैं। पंखा लगा हुआ है असल में जो है वो 10x10 का होगा, 10x10 का होगा, 12x12 के कमरे में दो जानवर बांस आए। बाकी भालू मट्टी वगैरह जो है डलवा देंगे यहाँ पर, ही चेंज करवाई थी इन्होंने तो पुरानी वाली जो है वो पेंट दी। ओए होए तो भाई मैं बताऊँ ये कहाँ पे है? ये जलालाबाद का एक एरिया है छोटा, नाजमाबाद के अंदर, वहाँ पर ये जो है शौक हो रहा है। और अभी आपको एंट्री में जो आपने देखी होगी गली, कितनी पतली सी गली है, वहाँ पर ये शौक हो रहा है। बाकी हम पूरा एड्रेस तो बताएंगे नहीं क्योंकि जानवर बड़े चोरी हो रहे हैं आजकल, वीडियोस बड़ी आ रही हैं यार। हाँ भाई चोरी है, कॉन्टेंट भी चोरी हो जाता है ना। कॉन्टेंट अब तो दांत चेक करवा ही दो तुम इसके। तो भाई ये था हमारे मोहम्मद भाई का शौक बछड़ी, आप लोगों ने देखी, कमेंट्स करके बताइएगा छोटे से बच्चे का शौक आपको कैसा लगा। बाकी इसकी डिटेल अगर जिस भाई की भी समझ में आया तो वकास से रब्ता कर लीजिएगा। सेल किया ना ये? सेल किया? हाँ सेल किए। तो ये सेल की है और जिसको भी समझ में आया वो वकास से रब्ता कर लेगा, वकास ही आपको पूछ के डिमांड वगैरह। हाँ हमारा तो अवामी नंबर है, अवामी नंबर है हमारा, आपको तो अवामी नंबर है जो बात है। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद आपको मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट्स क्या करने, कहाँ जानवर कहाँ कैटल फॉर्म के जानवर। आप तो भाई वो फरहान भाई के बॉस कैटल फॉर्म के बहुत जल्दी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, सारे जानवर वीवल करेंगे, उनका टीजर भी आ जाएगा। तो लिहाजा ये कमेंट्स नहीं करिएगा, फरहान भाई का सारा माल दिखाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द
मार्च से एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश मेरी है कि पूरा रमजान आप लोगों को शौक कराए रात का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो बिल्कुल जो है वो शौकीन, बाकी कोई शौकीन अगर हो तो वो भी रब्ता कर सकता है भाई हमसे इंशाल्लाह। जो है फर्स्ट मार्च से जो है वो शौकीनों की वीडियो आने लग जाएंगे और उम्मीद है कि रमज़ान में जो है वो पूरी जो है भरपूर शौक होगा शौकीनों के लिए। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, छोटे बच्चे का शौक पसंद आया होगा। और इस बच्चे के लिए भाई बोलते तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दिल खोल के ठोको ठोको जिस तरीके से बजड़ी पाई इसी तरीके से चैनल को भी फालतो ठकड़ 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 तो भाई मुझे आपका पास हो जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।